नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है HRI न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दोस्तों। पश्चिम बंगाल से नंदीग्राम चुनाव को ममता बनर्जी की चुनौती, हाई कोर्ट में लगाई याचिका। क्या कुछ है मामला, जान लेते हैं दोस्तों। नंदीग्राम में मिली हार को लेकर ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और BJP पर हमलावर हैं। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया, जिससे उन्हें जीतने के बाद हार का सामना करना पड़ा। CM ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की जीत पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार यानी कि आज का दिन तय किया है। आज के दिन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी इस पूरे मामले की। गौरतलब है कि 2 मई को घोषित परिणाम में ममता बनर्जी शाम को 4 बजे विजय घोषित कर दी गई थी। अलबत्ता शाम को 7 बजे जो खबर चुनाव आयोग से आई वो TMC को सख्ते में डालने वाली थी। इसमें शुभेंदु को विजय घोषित किया गया था। हालांकि सार्वजनिक मंच से ममता कई बार उस फैसले पर आपत्ति जता चुकी हैं। TMC ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को भी आधिकारिक तौर पर शिकायत की थी, लेकिन अब तक ममता बनर्जी को कोई जवाब नहीं दिया था चुनाव आयोग ने, जिसके बाद अब CM बनर्जी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। CM बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग से कई बार गुजारिश की गई कि दोबारा मतगणना कराई जाए, लेकिन उनकी बात को तवज्जो नहीं दी गई, लिहाजा उन्हें कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस पूरे मामले पर आज सुनवाई करेगा कोलकाता हाई कोर्ट। ममता बनर्जी ने चुनौती दी है नंदीग्राम चुनाव परिणाम को। यह दोस्तों इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है HRI न्यूज पर। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में।